महाराष्ट्र में शांतिलाल मुथा फाउंडेशन ने पहली कक्षा से लेके एक मूल्यवर्धन इस कार्यक्रम को स्थापित किया है। मूल्यवर्धन यह कार्यक्रम हमने तैयार किया है, इसमें 15-20 साल की हमारी मेहनत है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो हमारे संविधान में जो वैल्यूज़ दी हुई है वो बच्चों में पहली क्लास से प्लेवे मेथड से इनकलकेट करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और महाराष्ट्र राज्य सरकार का फ्रेमवर्क इसको अलाइंड है और बच्चों के लर्निंग आउटकम को मैच होता है। ये प्रोग्राम की वजह से सब टीचर्स और बच्चे, इनकी टीचिंग लर्निंग मेथड और सिस्टम, इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव आ चुका है। इसमें टीचर ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से होता है। महाराष्ट्र में मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम, चारों मीडियम के स्कूल में ये प्रोग्राम शुरू है। मुझे ये कहने में काफ़ी खुशी होती है कि जो 4,500 पोस्टर्स महाराष्ट्र में सभी टीचर्स और विद्यार्थियों ने बनाए, उसमें से करीबन 950 पोस्टर्स ये उर्दू मीडियम के स्कूल के टीचर्स ने और बच्चों ने बनाए हुए, ये यहाँ एग्जीबिशन में काफ़ी सारे उर्दू मीडियम के बच्चों के पोस्टर्स लगाए हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छी तालीम देने का प्रयास हमारे उर्दू मीडियम के टीचर भी अपने क्लास से करते हैं और सभी लोग इसके ऊपर काफ़ी खुश है। और इसी तरीके से ये मूल्यवर्धन प्रोग्राम 5वीं से आगे भी, अभी से पहली से 5वीं तक शुरू है, 5वीं से आगे 10वीं तक करने के लिए आज सभी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के सभी टीचर्स लोगों ने मांग की है। हम जल्द से जल्दी 10वीं तक का प्रोग्राम लेके टीचर्स के सामने जाएंगे और महाराष्ट्र शासन ने बहुत बड़ा सहयोग इसको किया है, इसको एक्सेप्ट किया है, उसकी वजह से ये हो सकता है। सभी टीचर्स, यही हमारे जिला परिषद के टीचर्स इस देश में क्रांति लाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और वो सभी टीचर्स को मैं नमन करता हूँ कि उनकी वजह से ही ये नई क्रांति इस देश में आने वाली है। अपील कर दीजिए, कब से कब तक है प्रदर्शन? ये जो प्रदर्शनी यहाँ आज लगाई गई है, आज सवेरे इसका उद्घाटन हुआ है। आज, कल और परसों 7, 8 और 9 जनवरी को शाम को 6 बजे तक ये प्रदर्शनी यहाँ रहेगी। मेरी पूरी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के जनता से, शिक्षक से, विद्यार्थियों से ये गुजारिश है कि आप यहाँ आके ये प्रदर्शनी देखो। इस प्रदर्शनी देखने से आपको किस तरीके से बच्चों में संस्कार किए जाते हैं और शिक्षक किस तरीके से इस बच्चों को ले रहे हैं, ये सारी बातें आपके समझ में आएगी। आप सबको मेरी विनती है कि औरंगाबाद जिले के हर व्यक्ति ने इस प्रदर्शनी को देखना चाहिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम शांतिलाल मुथा। सर, जिस तरीके से उर्दू मीडियम हो या मराठी मीडियम हो, जिला परिषद के स्कूलों का स्तर और विद्यार्थियों की संख्या घटती जा रही है, तो क्या मूल्यवर्धन कार्यक्रम के थ्रू आपको लगता है कि किसी तरीके से, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि टीचर्स, जिला परिषद के जो टीचर्स हैं उनका काम करने का तरीका, उनकी मेहनत और विद्यार्थियों का टैलेंट, क्रिएटिविटी आप लोग बता रहे हैं लोगों को, यस, तो आने वाले दिनों में वो बढ़ेंगी क्या? जिस स्कूल में मूल्यवर्धन शुरू है उसमें एक भी विद्यार्थी कम नहीं हो सकता है। वहाँ विद्यार्थी संख्या बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, लोग प्राइवेट स्कूल से लेके बच्चे इधर डालेंगे, इसका मुझे विश्वास है। और ये टीचर खुद क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि उनको, उनके हाथ में एक हथियार मिला है, उनके हाथ में एक साधन मिला है और उनको कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब वो बच्चों को चेंज कर सकते हैं और इसलिए वो अनुभव ले रहे हैं। और ये पूरा प्रदर्शन और ये पूरा प्रोग्राम ये उसकी परिणति है। 100% अभी जिला परिषद की स्कूल ज़्यादा स्ट्रेंथन और स्ट्रांग होगी, उसमें से एक भी बच्चा कम नहीं हो सकता है। फाउंडेशन मागच्या 4 वर्षापासून महाराष्ट्राच्या शासनाने स्वतःचा कार्यक्रम म्हणून याला अंगीकृत केलंय आणि आज मूल्यवर्धन महाराष्ट्रात एका हायेस्ट लेव्हलला आहे। आज आपल्यासाठी, सर्वांसाठी एक आनंदाची बाब की ज्यांच्या संकल्पनेतून मूल्यवर्धन निर्माण झालं आणि आज महाराष्ट्रातल्या जिल्हा परिषदेच्या सुमारे 67,000 शाळांवर मूल्यवर्धन इम्प्लिमेंट आहे, 44 लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत हा कार्यक्रम महाराष्ट्रात पोहोचला आहे। ते परमादरणीय शांतिलालजी मुथा आज आपल्या सर्वांशी वार्तालाप करण्यासाठी या ठिकाणी आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। तर हा मूल्यवर्धन, याची संकल्पना आणि आज मूल्यवर्धन काय लेवलला आहे याची प्रस्तावना करण्यासाठी मी आदरणीय शांतिलालजी मुथा यांना निवेदन करतो की त्यांनी आपल्याशी वार्तालाप साधा। सर्व पत्रकार बंधूंचं शांतिलाल मुथा फाउंडेशनतर्फे आम्ही स्वागत करतो।
ते पूर्ण महाराष्ट्र या सगळ्या मूल्यवर्धनाचा कार्यक्रम चालू आहे. मागील 4 वर्षापासून चालू आहे. त्याचं काय फिट झाला काय नाही झालं याच्यामध्ये वापस केले आणि किती अमूल्य विजन जे टाकून मूल्यवर्धनाचा कार्यक्रम जो चालला आहे त्याच्याबद्दलचं डिटेल त्यांनी बोलतील. मी फक्त एवढं सांगेन का आपला औरंगाबाद जिल्हा या मूल्यवर्धनाच्या कामामध्ये नंबर 1 आहे. जवळ 4,500 पोस्टरपैकी 130 पोस्टर औरंगाबाद आले आणि व्हिडिओ आले ते सगळे संकल्पना त्यांचे होते. मी तुमचं मनापासून स्वागत करतो आणि त्यांचे पत्रकार परिचय करतो. नमस्कार. मला अतिशय समाधान आहे. आधी आपण बसून घ्यावं तर चेअर झालेले आहे. 2 मिनिटं.